दोस्तों, पिछले ब्लॉग में जैसे आपने देखा था कि हम धोबी में स्टे कर रहे थे, तो धोबी से फिर हमने सोचा कि चलो मनाली घूम के आते हैं। तो मनाली यही धोबी से तकरीबन 20-30 मिनट का बस में जर्नी है। तो फिर मनाली आने के बाद हमने वहाँ पे मॉल रोड को थोड़ा एक्सप्लोर किया, फिर हम आए हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल हिस्ट्री के पन्नों में एक अलग ही अहमियत रखती है। तो चलिए आज एक्सप्लोर करते हैं हिडिंबा टेम्पल। तो दोस्तों, हिडिंबा देवी टेम्पल का दूसरा नाम है धुंगारी टेम्पल, और ये टेम्पल है मनाली पे, यानी हिमाचल प्रदेश में। और ये टेम्पल डेडिकेटेड है हिडिंबा देवी के नाम से। और इस मंदिर के चारों तरफ जो ये जंगल है ना दोस्तों, इसे कहते हैं धुनगिरी वन विहार। अगर हिस्ट्री की माने तो इसे महाराजा बहादुर सिंह ने बनाया था 1553 में। और यह मंदिर जो है दोस्तों, एक गुफा के चारों ओर बनाया गया था, जहां देवी हिडिंबा ध्यान लगाया करती थी। और ये जो सबसे ऊपरी भाग है ना दोस्तों मंदिर का, इसे शिखर कहते हैं, जो कि तीन छतों के लेयर से बना हुआ है। मंदिर के दरवाजे दोस्तों ऊंचे ऊंचे लकड़ी के बने हुए हैं, और मंदिर के दीवार पत्थरों के बने हैं। उसके ऊपर चूना और मिट्टी के लेयर देके उसे कारीगरी किया गया है। अब महाभारत की एक कथा के अनुसार, जब पांडवों का अज्ञातवास था, तो वो हिमाचल के इन्हीं वनों में आकर रुके थे। और इसी मनाली के क्षेत्र में एक बहुत ही बलशाली राक्षस हुआ करता था, जो था हिडिंब, और उसकी बहन थी हिडिंबा। तो हिडिंब ने पांडवों के ऊपर हमला किया, हिडिंब था बहुत बलशाली, तो उसे परास्त किया भीम ने। तो भीम ने जब उसे मारा, तो माता कुंती ने कहा कि तुमने अब हिडिंब को तो मार दिया, अब हिडिंबा का इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, भीम ने हिडिंबा से विवाह किया, और उनके विवाह के बाद उनका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम घटोत्कच था, जो कि कौरवों के युद्ध में पांडवों की ओर से एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है। ये पूरा क्षेत्र दोस्तों जंगलों से घिरा हुआ है, और इसे धौनगिरी वन विहार भी कहा जाता है। ये जगह काफ़ी सुंदर है, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, एक अलग ही टाइप की यहाँ शांति है, माहौल है। यूँ तो लोगों का भीड़ काफ़ी रहता है यहाँ। एक और विशेष बात क्या है दोस्तों यहाँ की, कि जब पूरा भारतवर्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करता है, तब मनाली के लोग देवी हिडिंबा की पूजा किया करते हैं। और महाभारत की कथा के अनुसार, जब पांडव अज्ञातवास से लौटे, तो देवी हिडिंबा ने उनके साथ आने से इनकार कर दिया, और वो वहीं रुक गई, और वहाँ पर वो तपस्या करने लगी। तो उनके इसी तपस्या स्थल को दोस्तों आज हम एक मंदिर के रूप में देखते हैं। और मंदिर के मुख्य द्वार में दोस्तों माँ दुर्गा की चित्र को अंकित किया गया है, और अंदर कैमरा लेना अलाउ नहीं था, इसलिए हम अंदर कैमरा नहीं ले जा पाए। और आप जब हिडिंबा देवी टेम्पल जाओगे, तो वहां पे ये फर्रेदार खरगोश के साथ आप फोटो उठा सकते हो, लेकिन इसके आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। ये इतना फरी कैसे है? अच्छा, सेल्फी ले लो। तो अब दोस्तों हम लौटने लगे हिडिंबा देवी टेम्पल से, और ये इस तरह से रास्ता बनाया हुआ है कि यात्री आराम से जा सके, आ सके। और ये पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया दोस्तों बहुत ही सुंदर है। और सामने यहाँ उतर जाने के बाद मॉल रोड स्टार्ट होगा, और आप इस हाइट पे देख सकते हैं, उस चोटी पे पूरा का पूरा वो स्नो है दोस्तों। तो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था।
तो दोस्तों वहाँ से निकलने से पहले हमने बहुत सारे क्लिक्स लिए वन विहार में, जो कि काफ़ी अच्छे थे। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए मॉल रोड। मॉल रोड पे हमने वहाँ पे सॉफ्टी खाया। सॉफ्टी काफ़ी फेमस है, आप इसे ट्राई करिएगा, इसे काइंड ऑफ आइसक्रीम। उसके बाद दोस्तों मनाली में एक और चीज़ बहुत फेमस है, ये तुम्पा। तो आप पता करिएगा कहाँ अच्छा मिलता है और तुम्पा ज़रूर ट्राई करिएगा। तो थैंक यू दोस्तों इस ब्लॉग को पूरा देखने के लिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।